मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कृषि विरोधी तीनों काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। कृषि विरोधी तीनों काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। एमएसपी को कानूनी दर्जा दो दर्जा दो दर्जा दो। कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो। वारंटी दो वारंटी दो। संयुक्त किसान मोर्चा रेल रोकने के उसमें हम यहाँ लाइन पर बैठे हुए हैं। अभी बहुत बड़ी संख्या में देहात से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग आएंगे और ये अब तक का बहुत ही विशाल भारत बंद होगा। ये आप जानते हो 600 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार शरफ अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए ये कानून लाई है। देश के किसी भी किसान संगठन से इन्होंने राय तक लेना भी उचित नहीं समझा। खुद जो बीजेपी का किसान संगठन है उससे भी सलाह नहीं करी, तो सीधे तौर से है देश के पूंजीपतियों की जरूरत में ये कानून लाए गए हैं। और इसमें भी ये समझने की बात है, सन 47 के बाद लगातार जनता का शोषण करते करते आज भारत में इतने बड़े सरमाएदार हो गए कि वो भारत के ही नहीं एशिया के ही नहीं दुनिया के सरमाएदारों में शामिल हो गए। के इन्होंने रेलवे को भी बेच दिया। अभी आप देखते हैं ये लीज पर दे रहे हैं 50-50 साल की लीज पर दे, रेलवे को भी बेच दिया इन्होंने। इन्होंने जो है हवाई अड्डे सारे बेच दिए, इन्होंने जो है समुद्री अड्डे बेच दिए सारे के सारे, इन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, तो मतलब सारे कौड़ियों के भाव दे रहे हैं। और इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा और इन्होंने लोगों के रोजगार खत्म कर दिए। अभी 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे जा चुके हैं और लॉकडाउन के दौर में भी आपने देखा कि किस तरह से 14 करोड़ प्रवासी मजदूर कहीं अमृतसर से पटना जा रहे हैं, कोई बेटी अपने फादर को बिठा के जा रही है, और कितनी दुर्गति उन लोगों की भी, नौकरियां छूट गई। और क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश है जी। जी, जिस तरह से आज भारत बंद है और रेलवे ट्रैक पर किसान आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ और हमारा संगठन भी यह कहना चाहता है जी कि मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस ले लेने चाहिए, जो कृषि विरोधी और किसान विरोधी और देश विरोधी और जनता विरोधी है, ये वापस ले लेने चाहिए। और किसानों को उनकी फसल का MSP की गारंटी दे देनी चाहिए और बिजली बिल 2021 जो लाना चाहती है उसको रद्द करना चाहिए और पराली का जो कानून बनाया है वो खत्म होना चाहिए। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हमारा संगठन भी जोड़ना चाहता है, हरियाणा सरकार ने भी जो भूमि अधिग्रहण के बिल में जो संशोधन कराया है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है, उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। और खास तौर से जो ऑल इंडिया लेवल के संयुक्त किसान मोर्चा ने जो डिमांड उठा रखी है, ये तीन कृषि काले कानून वापस, बिजली बिल वापस है और MSP गारंटी, ये जब तक नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा संगठन शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चे का एक घटक है और पूरे देश में 22 जिलों 22 प्रांतों में हमारा संगठन इन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है।